बाजी आपके ससुराल वाले आ गए। सिर्फ गीती बाजी के या आपके भी? अभी तो गीती बाजी को लेने आए ना। चलो मैं चूड़ियां पहनाती हूँ तुम्हें। अदाबर्ज है भाभी जान। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? निकाह होने से पहले तुम्हारा यहाँ आना मना है। हाँ। ऐसे ही मना? हाँ। इतनी दूर कराची से आए देवर के अपनी प्यारी भाभी से मिलेगा भी नहीं? भाभी से मिलने आए हैं या किसी और से भी? किसी और से मिलने के लिए बहानों की जरूरत नहीं है, जब चाहूँ मिल सकता हूँ। और वैसे आप सबकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं, अभी मैं सिर्फ अपनी भाभी से मिलने आया हूँ और दुनिया की कोई ताकत मुझे अपनी भाभी से मिलने से रोक नहीं सकती। अच्छा, तो तुम्हें कोई ताकत रोक नहीं सकती। अभी मैं तुम्हें दिखाती हूँ, इधर आ। मैं रोक के दिखाऊं तुम्हें? हाँ। धक्के मत दो। निकलो यहाँ से। अजीब इंसान है, डर क्यों कमरे में घुसता है? ये देखो फिर से आ गया, मैं उसको भगाती हूँ। निकलो यहाँ से। के लिए छोड़ के चली गई है खाला। चली गई? अभी ये क्या हो गया सोफिया? सोफिया मेरे बच्चे, ये क्या हो गया? तू जाने दिया अम्मी को? तुमने क्यों जाने दिया? हाँ, क्यों जाने दिया तुमने अपनी अम्मा को इस तरह? पप्पा जान, जल्दी से निकाह पढ़वा दें, हमारा लड़का बड़ी मुश्किलों से हाथ लगा है। अभी अगर इनके किसी क्लाइंट की कोई कॉल आ गई या फिर किसी केस की बात याद आ गई तो ये तो निकाह छोड़ छाड़ कर जा भी सकते। क्यों वकील साहब, ठीक कह रहा हूँ ना? देखो भाई असली बात ये है, मुझे अपने होने वाले दामाद पर आंखें बंद करके भरोसा है। अल्लाह इसे जिंदगी दे। और अगर ये इस वक्त उठकर कहीं चला गया ना, यकीन मानो मैं समझूंगा इसका जाना बहुत जरूरी था। क्या बात है भाई, घर में बाबा के फेवरेट, ससुराल में फूफा जान के राज दुलारे। बिल्कुल काजी साहब, मेरा ख्याल है आप शुरू करें, असवंत की तो बातें खत्म नहीं होंगी, आप बिस्मिल्लाह करें। चले भाई,
मुबारक हो। मुबारक हो मुबारक हो दादा भाभी। मुबारक हो भी बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया। प्यारी लग रही है। इट्स लाइक अ डॉग। अब बिल्कुल रोना नहीं है। देखो ये रोने का मौका नहीं है, ये खुशी का मौका है। प्लीज आंसू पोंछ लो। ये थी तो मेरी बेटी बन के मेरे साथ जा रही है ना? खुशी के ही आंसू है लुबना, लेकिन बेटी के जुदाई पे आंसू आ ही जाते हैं आंखों में। Come on, दुर्गाना, वो कौन सा कोई गैरों के घर जा रही है, अपने मामू के घर जा रही है। लुबना मुझसे वादा करो तुम मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखोगी। अरे मैं क्या, मेरा दानियाल इसका इतना ख्याल रखेगा, मैं प्रॉमिस करती हूँ इसको यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। ये बहुत हसास है, बहुत लाडों में पली हुई है। मैं जानती हूँ गेती को, गेती विल बी वेरी हैप्पी हियर। चले भाई, सब खवातीन एक तरफ हो जाइए, मर्द हजरात आ रहे हैं मैयत उठाने के लिए। अब क्या बेहया आवारा औरतों की तरह ना मेरा मर्दों से हंसी ठट्टा किया करोगी? फोन ही कटवा दूंगा इस घर से मैं। गोपीजात भाई को हज की मुबारकबादियां दी जा रही हैं। ना महरम है वो तुम्हारे लिए, इतना नहीं पता तुम्हें बेगैरत औरत? आ जाओ भाई। मोहतरमा हमें कोई लिफ्ट ही नहीं करवा रही हो। लिफ्ट? कौन सी लिफ्ट? चलिए जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ बहुत बिजी हो ना, बहुत बिजी हो। और वैसे तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? चाचा जान और चाची जान कब से चले गए, तुम यहाँ पे क्या? वो मैं मैं जा रही हूँ, बाद में मिलते हैं, काम बहुत है मेरे पास, तुम भी कुछ कर लो। सॉरी मोर डिजिस। बुलार मल्ले, उठो बेटा, उठो बेटा, दूध पी लो। अभी बेटा थोड़ा पी लो। नहीं अम्मा, मैं नहीं पी रहा। नहीं, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, ऐसे कैसे ठीक होगे? थोड़ा थोड़ा नहीं, अम्मी के कहने पे। नहीं नहीं पी रहा। वालेकुम अस्सलाम बाबा। नूरी को साथ नहीं लाए?
नूरी कहाँ है? साथ मिलती तो उसको मिलने के आता ना। स्कूल से पता किया? आज तो वो स्कूल गई नहीं। सहेलियों के घर से पूछ लेते, अरफा के घर गई होगी। वहां भी पता किया। कुछ पता नहीं उसका। इसी दिन के लिए मैंने मना किया था पढ़ाने लिखाने से। तुम खुद को होशियार समझती हो ना, लेकिन होशियार नहीं हो। वो कह रही थी कि मैं नौकरी करूंगी, बच्चे पढ़ाऊंगी, स्कूल जाऊंगी। देख लिया अपनी बेटी की हरकतें। से तुम लोग कब्रिस्तान से आए हो, इसको इसी तरह तेज बुखार हुआ है। क्या करें, मां की मौत का सदमा ही कुछ ऐसे ही होता है। मैं डॉक्टर के पास जाके इसका हाल बता देता हूँ, वो दवा लिख देंगे। मुझे बताइए इसने कुछ खाया? हाँ, वो तुम शीमा से कहो किसके लिए दूध और डबल रोटी ला दे। मैं बोलता हूँ। खोलो बेटा, आंखें खोलो। एक लाख। हाँ? पूरे एक लाख। शाबाश, शराफत से सीट खाली करो। आपको बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है, ये बहनोई और साली का मामला है। सालिया? हाँ। वाह भाई वाह, क्या मौका महल के लिहाज से रिश्ते बदले जाते हैं। जी हाँ, ताकि दानियल भाई को कोई बहन की कमी ना हो और गीती बाजी को भी। हाय, मैं सदके वारी जावा आप सबके। कितना ख्याल और कितनी हमदर्दी आप सब लालची लड़कियों को मेरे भाई और भाभी से। छोड़े, आप बस पैसे निकाले। उठ जा भैया, ये आपकी बड़े हक हलाल और मेहनत की कमाई है, इसको आप। यार बस देने दो ना यार, खत्म कर यार। करो। अच्छा चलो। ओके, 1,000-2,000 मिल सकते हैं, इससे ज्यादा की उम्मीद ना रखना। ले लो, अच्छा पूरी जेब खाली कर देते हैं। ओके, ये देखें, सारी जेब आपके हवाले। हाँ, 1,00,000 रुपए तो नहीं है ये। 1,00,000 लालची लोग भाई, पूरी जेब तो खाली कर दी। चलो शाबाश, जूते छुपा छुपा पे मैं ज्यादा लूंगी, 1,00,000 ही लूंगी। चलो बस ठीक है शाबाश, बाद में बहुत सारे ले लेना, ठीक है? कोई बात नहीं, सिक्के मिल जाएंगे। जा। खलील भाई किधर है अभी? उनकी तबीयत खराब थी, शायद वो सोने चले गए। उन्हें पता है कि बेटी की तबीयत कितनी खराब है, कितना तेज बुखार हो रहा है इसको?
तुम तो बड़े हो ना, शादीशुदा हो, बच्चे वाले हो, लेकिन ये तो बहुत छोटी है। कम से कम उनको चाहिए था कि इसके पास आते, प्यार करते, तसल्ली देते। अरे अगर माँ चली गई है, वो तो है ना इसके पास। आप अभी के मिजाज को तो जानती, प्यार मोहब्बत का इजहार करना, गले लगाना, लाड तुलार करना, ये सब कुछ उन्होंने बचपन से आज तक कभी भी नहीं किया। अरे उन्हें तो तुम्हारी अम्मी के मैके वाले कभी पसंद नहीं आए। हम लोग तो फोन पर भी बात नहीं किया करते थे, अरसा गुजर जाता था। क्या पता था मैं इतने अरसे बाद अपनी बहन को इस तरह मिलूंगी, इस तरह देखूंगी। अरे उसने तो मुझे कुछ कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कह कर गई वो। 6 साल छोटी थी वो मेरे से, लेकिन इतने जल्दी चली जाएगी ऐसा नहीं हो सकता। अम्मी नेक औरत थी, बहुत अच्छी थी, और इंशाल्लाह वो हम सबसे बहुत बेहतर जगह होंगे। हाँ लेकिन अचानक से उन्हें क्या हो गया था? कोई बीमारी थी? कभी उन्होंने बताया तुम लोगों को, जिक्र किया? एकदम हाँ, वो बीमार थी ना, तो आपकी मेरे ख्याल से काफी दिनों से उनसे बातचीत नहीं रही, तो आपको पता नहीं चला, तो बस वो बीमारी ज्यादा बढ़ गई और उसी में उनका इंतकाल हो गया। I'm not afraid to die.
भैया आपकी गाड़ी कैसे सजवानी है और रूम भी बता दें, वो रेड रोजेस से सजवा दूं। शाम में बारात और अभी इतने काम। क्या आज मुझे पिटीशन फाइल करवाई है? नहीं, ये स्माइल ग्रुप के लॉयर्स उनको मिसलीड करना चाह रहे हैं। नहीं नहीं, आप फिक्र ना करें इंसारी साहब, हमारा केस बहुत मजबूत है। नहीं, कोर्ट जाकर उनके झूठ का पर्दाफाश मैं उधर ही करूंगा। ओके अच्छा, अल्लाह हाफिज़। यार क्या करते हो इसफी, इम्पोर्टेंट कॉल थी यार। वकील साहब, ये अपनी शादी वाले दिन आप बजाय मेरे भाभी को गुड मॉर्निंग मैसेज या कॉल करने के क्लाइंट के साथ बात करें, बड़ी अफसोस की बात। यार इमरजेंसी है, फौरन हाईकोर्ट पहुंचना है। ओए वकील साहब, खुदा का खौफ करो यार, यहाँ मैं दुल्हा की गाड़ी और सेज सजवाने की बात कर रहा हूँ और वहाँ दुल्हा मियां काला कोट पहनकर कोर्ट जाने की तैयारी पकड़ रहे हैं। यार छोटू, बहुत अर्जेंट मैटर है, मुझे जल्दी फौरन पहुंचना है। तो आपका हर मैटर अर्जेंट और इम्पोर्टेंट होता है वकील साहब। यार घर पर मामा जो गुस्सा होंगी पता है। भैया कभी सुना है कि एन अपनी शादी के दिन दुल्हा कोर्ट मुकदमा लड़ने पहुंचा है? तुम मामा को संभाल लेना, मैं जल्दी आता हूँ। यार वकील साहब, आपका तो कुछ नहीं होने वाला, बेचारी मेरी भाभी अपने प्रोफेशन के मामले में इतने पागल आदमी के साथ कैसे गुजारा करेंगी? कर लेंगी, टेंशन ना लो। क्या यार, कैसे टेंशन ना लूं, आखिर हमारी सगी फूफो की बेटी तो है। बाय छोटू। यार बेचारी गई थी भाभी। अम्मी, आप सुबह सुबह दम क्यों करती हैं मुझ पे? ताकि मेरी बेटी सारा दिन अल्लाह की अमान में रहे और मेरी दुआओं के असर। वैसे ना लंबे बाल भी एक अजाब होते हैं, सुलझते ही नहीं आसानी से। ये तो अब्बी के डर से मैंने कटवाती नहीं हूँ, वरना तो मैं कब से कटवा चुकी होती बाल। ऐसा नहीं कहते, बुरी बात है, इतने खूबसूरत बाल हैं तुम्हारे। हाँ अभी देखना, मैं इतनी अच्छी सी चोटी बनाऊंगी ना मेरी बेटी की, सारा दिन मसला नहीं होगा। अम्मी आराम से। शुक्र है मेरे बच्चे का बुखार तो कम हुआ ना, कल तक तो तुमने मुझे डरा दिया था। क्या बात है, इतनी चुप क्यों, खामोश क्यों? ये ठीक है कि तुमने अपनी इस खाला को बहुत कम अपने घर में आते जाते देखा होगा। तुम्हारी अम्मी भी मेरे पास वहां पेशावर नहीं आती थी। खलील भाई तुम्हें कैसे आने देते? मैं भी सालों साल हो जाते थे यहां नहीं आती थी। मैं तुम्हारी सगी खाला हूं, खाला तो मां की जगह होती है ना बेटा। तुम मेरे से जब चाहे कोई बात भी कर सकती हो। बे दोपहर के 2 बजने को आए हैं, मैं पूछता हूँ इस घर में आज मुझे कोई खाने को देगा या नहीं, या तुम लोग मुझे भूखा मारोगे? मेरे पैसे पे अय्याशियां कर रहे हैं सारे के सारे, और मुझे कोई ढंग से ना चाय को पूछता है ना खाने को। ये खलील भाई भी नहीं बदलेंगे। अम्मी क्यों बेटा, जब अभी ऐसे चीखते हैं ना मुझे बहुत डर लगता है। अम्मी को भी ऐसे ही डर लगता था। चुप अस्सलाम वालेकुम बाबा। अरे वालेकुम सलाम। शुक्र है वकील साहब, आप कोर्ट से वापस आ गए। अब चल कर देखें मैंने आपका कमरा कैसे सजवाया, गेती भाभी को तो जरूर पसंद आएगा। कहाँ थे दानियाल सुबह से? बाबा वो इंसारी साहब का केस है ना, उसके लिए कोर्ट गया था। उफ, ना पूछे। खुदा के लिए भाई, आप अपने शादी वाले दिन अब बाबा के साथ अपने केसेस और क्लाइंट्स मत डिस्कस करना शुरू करें। अच्छा यार, नहीं करता। आसमान मामा से कहो कि दानियाल आ गए, खाना लगवा दे। जी बाबा। और हाँ सुनो, वो मैंने तुम्हें कुछ वलीमे के कार्ड्स दिए थे, तीनों जगह पहुंचा दिए? वो बाबा सॉरी, वो मैं अभी दे आता हूँ बस। शादी का एक काम तुम्हारे सुपुर्द किया था, वो भी नहीं हो सका तुमसे। तुम्हारे अंदर एहसास-ए-जिम्मेदारी पैदा भी होगा या नहीं होगा? प्लीज बाबा जाने देना,
मेरी शादी के दिन तो ऐसे ना डांटें। रीमा वैसे भी एक दिन की गैप से है, अस्वी अभी जाकर काट जाएगा, है ना अस्वी? इतना लंबा कद निकाल लिए, जिम्मेदारी इतनी सी नहीं, बस हल्ला गुल्ला मजाक करा लो उससे जो कराना। ऐसा तो ना कहें बाबा, सीरियस जिम्मेदार होने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है। जी बाबा। भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपके घर की रौनक हूँ, बुलबुल हूँ, जुगनू हूँ, फूल हूँ, शायर हूँ, और क्या क्या कहते हैं भैया। नायला देखो ये इस्त्री करके लगा दो मेरे कमरे में, नेट का दुपट्टा है, अच्छे से जरा संभाल के। सलाम मामा। सलाम अलैकुम। बट ओ माय गॉड, आज बारात का दिन है उस्मान, प्लीज जरा तो ख्याल करें। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। मुहावरा है बाबा उर्दू का, यूं ही याद आ गया। वैसे बाबा हमारे घर की चीफ जस्टिस साहिबा आ चुकी हैं और इनके आगे आपकी बैरिस्ट्री और रोब चल नहीं सकती। अभी कैसे डांट रहे थे मुझे, अब जरा जज साहिबा के सामने तो बोले। भला मैं क्या कह सकता हूँ भाई, तुम्हारे दो दो हिमायतियों के होते हो। फिक्र मत करें, जूबिया मेरी गुड़िया है, मेरी जान है, मेरी जिंदगी है, मेरा सब कुछ है। मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे, मैंने कभी भी अरम और जूबिया के बीच में कोई फर्क नहीं रखा, दोनों मेरे लिए बराबर है। हमेशा खुश रहो। वाह भाई, यहाँ तो बड़ी महफिल जमी हुई है, और मुझे देखो मैं वहां सुबह से लगा हुआ हूँ, मैं वहां मस्जिद में मरहूमा की इसाले सवाब के लिए कुरान खानी करवा रहा हूँ, कब्र पे जाके फातिहा पढ़ कर आ रहा हूँ, और यहाँ पर महफिलें सजी हुई हैं, केक बिस्किट उड़ाए जा रहे हैं। जुबिया की तबीयत ठीक नहीं थी, कल से वो बिस्किट और चाय पी रही है, आज दोपहर से भी उसने कुछ नहीं खाया, तो मैंने सोचा कुछ खाना भिजवा दो। खिलाओ खिलाओ, केक खिलाओ, बिस्किट खिलाओ, कुछ तो माँ का गम गलत हो। और मैं महजमीन तुमसे तो कल के बाद आज मुलाकात हो रही है हमारी, असल में कल मैं मरहूमा की अचानक वफात के सदमे में था। तुम सुनाओ बच्चे बच्चे ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। और ये मोहसिन को कोई नौकरी वोकरी मिली कि नहीं? जी जी, एक फैक्ट्री में छोटी मोटी जॉब तो मिल गई है। कोई ढंग की नौकरी लगी है या बाप की तरह क्लर्क की भर्ती हुआ है? भाई सच पूछो तो मैजबीन, तुम्हारे मरहूम शौहर ने अपने बीवी बच्चों को सारी जिंदगी जिस तंगी में रखा है ना, उससे हमारा दिल बहुत कुड़ता था। हम तो माता से कहते थे ज़कात खैरात से मदद करो, और हमारी ज़कात को देखो सारा साल बैंक में पड़ी रहती है। तुम्हें अगर कोई ज़कात खैरात की ज़रूरत हो तो बेझिझक मुझसे कहो, मैं बैंक से निकलवा देता हूँ। मैं तो माता को भी यही कहता था कि जब ज़कात खैरात निकालो तो बहन को पूछ लिया करो, असल में रिश्तेदारों का बहुत हक होता है। और जैसे माता अपनी ज़िंदगी में तुम्हें ज़कात खैरात देती थी ना, फिक्र ना करना, मैं वैसी देता रहूँगा। और हाँ, जो भी तुम्हें खाने का दिल चाहे बेझिझक हलीमा और शीमा को कह के बनवा लें। तुम्हारे घर में क्या बनता होगा दाल सब्जी के अलावा, इसलिए जब तक यहाँ हो अच्छा खा पी लो। अच्छा मैं चलता हूँ, चलो मैं नमाज का वक्त हो रहा है, पता नहीं किन बातों में लग गया। और हाँ रेहान बात सुनो, जब तक तुम्हारी माँ का 40वां नहीं हो जाता, इस घर में रोज कुरान खानी होगी और रोज खैरात बटी। शायद हमारे इस अमल से ही मरहूमा के लिए अल्लाह ताला आसानियां पैदा कर दे। हम क्या कर सकते हैं, बस अल्लाह ही रहम करे। अब तो भी को जानती हूँ ऐसी हैं। नजर ना लगे मेरे बेटे को, so proud of you, मेरा गुरूर मेरा फखर बनिया, मैं तुम्हें अपने आप को देखता हूँ, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। थैंक यू बाबा। सारा प्यार बड़े बेटे के लिए और छोटे के लिए। हाँ हाँ, सारा प्यार बड़े के लिए, तुम भी भाई की तरह बाबा का सर ऊंचा करा दो, तुम्हारे लिए भी बहुत प्यार है। हाँ मुझे पहले ही शक था मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ। असफान लवली बॉय।
कैसी हैं आप? Good. Look lovely. वैसे दानियल भाई, don't worry, आज मैं आपके तरफ से हूँ. नहीं, wallet भी नहीं मेरे पास. यार आज तो बड़ी बिजलियां गिरा रही हो. तो मुझे लोफड़ा फ्लर्ट लगता है. फ्लर्ट करना बंद कर दो. अपने मंगेतर से नहीं तो आकर किससे फ्लर्ट करूं? और सच सच बताओ, तुम्हारा इतना सजने सवरने का क्या मकसद है? अगर मूड बन रहा है तो हम भी नहीं आज शादी कर ले? ओए ओए ओए, मेरा ऐसा कोई मूड नहीं है. मेहमान जमा है, बस काजी बुलाना होगा. जरा सोचो, खर्चा भी बचेगा, टाइम भी. चल बे, मुझे ऐसे शादी नहीं करनी. तुम पहले MBBS तो खत्म करो. हाँ, मुझे डॉक्टर संध्यार से शादी करनी है. ऐसे वैसे शादी नहीं करनी मुझे. जिस दिन मेरा MBBS पूरा हो जाएगा ना, कंप्लीट, घर वाले वैसे ही तुम्हें मेरे हवाले कर देंगे. मैं आज की बात कर रहा था. इसलिए यहाँ पे शादी हो रही है, तुम कोई काम कर लो. जिंदगी में लड़के पहली बार देखे क्या? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. वालेकुम अस्सलाम. अब एक खातून मरीज बेहोश मिली है, जिनकी हालत बहुत सीरियस है. वहाँ कोई डॉक्टर नहीं, जरा आप देख लें. अच्छा, मैं देखती हूँ. शुक्रिया. ओके, ठीक है. चलो अस्वी, अब हमारे चलने का भी टाइम हो गया. चले. मामा भाभी को मार्केट के बारे में वो बताने दें. मार्केट कौन? भाभी क्या मेरे फोन में घुसे थे? देखें भाभी जान, जरा मुलाहिजा फरमाएं अपने शौहर साहब की हरकतें, कैसे पकड़े गए हैं ये, वो भी रंगे हाथों. अब पता चला है कि 6 सालों से इनका दिल लंदन में इतना क्यों लग रहा था. वहां से भारत लॉ हो गया, वकालत पढ़ ली, लेकिन वापसी का कुछ नहीं पता. दाल में कुछ काला था भाभी. तुम बाज नहीं आओगे? नहीं. आपको फजूल बातें नहीं सुननी. पता नहीं किस किस्म का बाप है, तेरे दिल में जरा भी एहसास नहीं है. हाथ पे हाथ रखकर बैठा हुआ है. मेरी नूरी पता नहीं किस साल में होगी. ऐसे नहीं कि इसको ढूंढ कर लाए, खुदा के वास्ते कहीं तो जा. बाबा साईं, मेरी बात मान लो, हम पुलिस को बताते हैं, वो अद्दी को जरूर ढूंढ लेंगे. चुप कर जाए बेटा, अब मैं खुद जाके सबको बता दूं. अब तो नूरी का किसी को पता नहीं, पुलिस में जाके पर्चा कटवाऊंगा, सबको पता चल जाएगा कि मेरी बेटी. पता नहीं उसने खाना भी खाया होगा कि नहीं. इन बच्चों को तो खिला दो, इनको तो खिला दो. मैं
याद है जब हमारी मंगनी हुई थी? याद है, कैसे भूल सकती हूँ पता नहीं। उसी रात मेरी लड़ने की फ्लाइट थी। You were so sad. 6 साल बाद हमारी शादी हुई। थैंक यू, तुमने 6 साल मेरा साथ दिया। मामा का इतना प्रेशर था कि वापस आके शादी करो, लेकिन जब भी तुमसे फोन पे बात करता था, तुम्हारा लहजा, तुम्हारी बातें मुझे यकीन दिलाती थी कि तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा है, तुम मेरे ख्वाबों को समझती हो। कैसे ना करती भरोसा, आप पैशनेट थे, आपको लॉयर बनना था, अब रास्ते आसान हुए या मुश्किल, चलना तो मेरे साथ। तुम्हारी वजह से हूँ। 1 मिनट। Wow, it's beautiful. You're beautiful. कितनी महंगी ली है? ये तो मैं नहीं बता रहा। मैं नहीं बता रहा। और वैसे मार्गरीटा कौन है? के बाद यकीन का सफर।